दोस्तों जैसा कि सारे गामा पा में से सचिन कुमार को कल बाहर कर दिया था दोस्तों, उनका ईविक्सन कर दिया था। और दोस्तों अब सारे गामा पा में टॉप सिक्स कंटेस्टेंट बचे हैं और दोस्तों वो टॉप सिक्स कंटेस्टेंट ग्रैंड फिनाले में पहुंचेंगे। लेकिन दोस्तों हम आपको बता दें कि सचिन कुमार के ईविक्सन ने संजना भट्ट के लिए और सारे गामा पा के सभी कंटेस्टेंट के लिए उन्होंने बहुत ही बड़ा खुलासा किया है, उन सभी कंटेस्टेंट की एक बहुत बड़ी सच्चाई बताई है। तो दोस्तों अगर आप भी किसी भी कंटेस्टेंट के फैन हो या संजना भट्ट के फैन हो तो आप ये जान लो कि सचिन कुमार ने क्या सच्चाई बताई है सारे गामापा के सभी कंटेस्टेंट और संजना भट्ट के लिए। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पर सेलेक्ट कर दो, जिससे आपको अपने प्यारे सिंगरों से रिलेटेड खबरें सबसे पहले मिलती रहें। दोस्तों जैसा कि सारे गामापा में सातों कंटेस्टेंट थे और दोस्तों सातों के सातों बहुत ही अच्छा गाते थे, लेकिन दोस्तों सचिन कुमार कल सारे गामापा से बाहर हो गए। दोस्तों सचिन कुमार ने बताया है कि मैं सारे गामापा में बहुत आगे तक जाने वाला था, लेकिन दोस्तों मुझे सारे गामापा से निकाल दिया, मुझे लगता है कि कम वोटों की वजह से मैं सारे गामापा से बाहर हो गया। और दोस्तों सचिन कुमार ने सारे गामापा के सभी कंटेस्टेंट और संजना भट्ट के बारे में क्या बताया, तो दोस्तों सचिन कुमार ने बताया कि सारे गामापा के सभी कंटेस्टेंट बहुत ही अच्छा गाते हैं, सभी कंटेस्टेंट मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त थे, मैं सारे गामापा में बहुत ज़्यादा मजा करता था अपने सभी कंटेस्टेंट सभी दोस्तों के साथ। और दोस्तों उन्होंने संजना भट्ट के लिए बताया है कि संजना भट्ट तो सारे गामापा की सबसे नंबर वन कंटेस्टेंट हैं, लोग उन्हें खूब ज़्यादा प्यार देते हैं और मैं कामना करूँगा कि संजना भट्ट ही सारे गामापा की विनर बने, संजना भट्ट के फैंस को उनकी मनोकामना पूरी हो जाए कि संजना भट्ट विनर बन जाए सारे गामापा की। तो दोस्तों सचिन कुमार ने सारे गामापा के सभी कंटेस्टेंट और संजना भट्ट को बधाई दी है सारे गामापा के ग्रैंड फिनाले में। और दोस्तों सचिन कुमार ने कामना की है कि सारे गामापा का विनर संजना भट्ट ही बन जाएं। तो दोस्तों आपकी क्या राय है, आप किसे देखना चाहोगे सारे गामापा का विनर, आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो।